नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा फैब्रिकेटर्स में। आज के इस वीडियो में जानेंगे हमारे प्यारे दर्शकों द्वारा पूछे गए ऐसे प्रश्न के उत्तर जो वेल्डर से संबंधित है, फैब्रिकेशन संबंधित है। उनके द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका जवाब भी जानेंगे इस वीडियो में। हमारे एक प्यारे दर्शक फास्ट स्टडी 46 के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, जिसका उसका प्रश्न है वेल्डर को दूध पीना क्यों जरूरी है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम यहीं पर देखेंगे। तो वेल्डर को दूध पीना क्यों जरूरी है, अपने मोबाइल में हम देखते हैं। तो वेल्डिंग करते समय उनके फॉर्म से जस्ता मतलब जिंक का फॉर्मेशन होता है और दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जो शरीर में जस्ता मतलब जिंक को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। क्या करता है? जिंक को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। इसलिए वेल्डर्स को दूध पीना चाहिए, क्या हो सके, ज़्यादा जो हमारे शरीर में है जो ज़्यादा जिंक एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, इसलिए क्या करते हैं, दूध पीते हैं। ये दूध पीना हमारे लिए उससे भी फायदेमंद ही, इसलिए हमेशा हमें दूध पीना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। ये पूछा गया है धर्मेंद्र राज के द्वारा, मतलब रजक है, उनके द्वारा पूछा गया है कौन सी वेल्डिंग सबसे आसान होती है। तो मिग वेल्डिंग एक आसान तरीका है जी, मिग वेल्डिंग सबसे आसान तरीका है और किसी पीस को जोड़ने के लिए इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके मेटल को पिघलाकर मेल्ट दो प्लेटों में पीस को जोड़ने का काम किया जाता है। मिग वेल्डिंग को इसी आसान प्रक्रिया के लिए हॉट ग्लू गन भी कहते हैं। मतलब सबसे आसान जो है वेल्डिंग वो है मिग वेल्डिंग। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो हमारे प्यारे दर्शक जाहिद मुदासिर के द्वारा पूछा गया है और वो पूछे हैं क्या वेल्डर को कैंसर हो सकता है। तो इसका जवाब तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हमने सर्च किया गूगल पे या फिर अन्य जरिए से तो पता चला जिसका उत्तर ये है, वेल्डिंग फ्यूम में खतरनाक यूवी विकिरण होते हैं, मतलब यूवी विकिरण होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और जस्ता जिंक को जैसे कई हानिकारक गैस और मेटल मिले होते हैं जो आँख और हृदय में बुरा असर डालते हैं, जिससे लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जिससे क्या होती है कि लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब वेल्डर को कैंसर होने की खतरा होता है, इससे ये मालूम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। ये पूछा गया है हमारे जो प्यारे दर्शक है वो है मनोज, और मनोज के जी के द्वारा पूछा गया है क्या बारिश में वेल्डिंग कर सकते हैं। तो सुरक्षा सेफ्टी और गुणवत्ता क्वालिटी दोनों को दृष्टि में बारिश में वेल्डिंग करना सुरक्षित नहीं है। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, बारिश के मौसम में वेल्डिंग करना सुरक्षित नहीं, लेकिन फिर भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हाथों में ग्लव्स, हेलमेट्स, पैरों में शू, सभी तरह से सेफ्टी गैजेट के साथ आप वेल्डिंग कर सकते हैं जी हाँ। लेकिन जामिल अहमद के द्वारा पांचवा प्रश्न पूछा गया, वे पूछते हैं क्या स्टिक वेल्डिंग मिग वेल्डिंग से ज़्यादा मजबूत होते हैं। जी हाँ, जो स्टिक वेल्डिंग है मिग वेल्डिंग से ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि जो मिग वेल्डिंग जो होते हैं उससे ज़्यादा स्टिक वेल्डिंग की मजबूती होती है, जिसका जो मजबूती पकड़ जो होती है मिग वेल्डिंग की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती है। इसलिए बड़े बड़े कार्यों में जो होता है स्टिक वेल्डिंग किया जाता है। मिग वेल्डिंग तो होते हैं ऐसे तरीके से जो हम फास्ट काम बहुत ज़्यादा काम किया जाते हैं, लेकिन जहाँ मजबूत काम करना होता है वहाँ पर स्टिक वेल्डिंग का ही सहारा लिया जाता है, ARC वेल्डिंग का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग ARC वेल्डिंग को माना जाता है। चलिए अब छठा प्रश्न की ओर चलते हैं और ये पूछते हैं सबसे मजबूत वेल्डिंग कौन सी है। तो ARC वेल्डिंग और स्टिक वेल्डिंग को सबसे मजबूत वेल्डिंग प्रोसेस मानते हैं। इसका प्रश्न पहले में ही उत्तर मैंने दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे मजबूत वेल्डिंग कौन सी। तो सबसे मजबूत वेल्डिंग ARC वेल्डिंग और स्टिक वेल्डिंग को मानते हैं, स्टिक वेल्डिंग को सबसे मजबूत वेल्डिंग मानते हैं। जी हाँ, अब छठे प्रश्न से सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या वेल्डिंग मशीन से मृत्यु हो सकती है। यहाँ पूछते हैं एक हमारे जो दर्शक हैं क्या वेल्डिंग मशीन से मृत्यु हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या है देख लेते हैं। वेल्डिंग मशीन एवरेज होम बेस 120 वोल्ट पर चलते हैं, जिससे आपकी मृत्यु तो नहीं हो सकती, लेकिन शॉक की वजह से जोर का झटका लग सकता है, जिससे आपको क्या हो सकते हैं, हार्ट अटैक आने की, हृदय की जो है रोग, हृदय की जो है मूर्छित हो सकते हैं, हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। जी हाँ, अब अगला जो प्रश्न पूछते हैं ये पूछते हैं अहमद लाहौरी जी, क्या स्टिक वेल्डिंग के समय इलेक्ट्रोड को छू सकते हैं। स्टिक जब वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोड के द्वारा, तो क्या इलेक्ट्रोड को छू सकते हैं, ये पूछते हैं।
गीले कपड़ों और नंगे हाथों से इलेक्ट्रोड को ना पकड़ें, क्योंकि ये क्या होते हैं, गीले कपड़ों से करंट लगने की संभावना हो सकती है, या फिर नंगे हाथों से ये गर्म होते हैं जिसके कारण आपके हाथ जलने की संभावना हो सकती है। इसलिए तो गर्म चीज़ होती है, इसलिए नंगे हाथों से नहीं पकड़ें। तो ग्लव्स का सहारा लें, ग्लव्स के जरिए से आप इसको पकड़ सकते हैं और अच्छा से, इससे क्या हो कि अच्छा से पकड़ बनेगी और पकड़ बनने से आप अच्छा से सटीक वेल्डिंग कर पाएंगे, तो आप पकड़ सकते हैं लेकिन सेफ्टी के साथ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है नौवां प्रश्न, क्या टिग वेल्डिंग बिना गैस के कर सकते हैं? गजब क्या बात कर दिया, क्या टिग वेल्डिंग बिना गैस के कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि टिग या मिग वेल्डिंग जो होती है, वो टिग वेल्डिंग के पहले प्रोसेस कुछ समझ लेते हैं कि टिग वेल्डिंग जो होती है वो 100% आर्गन गैस के जरिए से होती है, इसलिए हम लोग टिग वेल्डिंग को बिना गैस के जरिए तब नहीं कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, टिग या मिग वेल्डिंग में कौन बेहतर होता है, टिग वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग? दोस्तों इससे टिग और मिग वेल्डिंग अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, और उसको ज़रूर देखिएगा, अगला वीडियो वही बनने जा रहा है। तो चलिए इसमें पहले जान लेते हैं कि टिग या मिग वेल्डिंग में कौन बेहतर है। तो टिग या मिग दोनों अपनी जगह पर बेहतर है, जहाँ मोटे थिकनेस प्लेट को टिग वेल्डिंग से और पतले जो होते हैं उसको मिग वेल्डिंग से वेल्ड किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो के सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आते हैं। पूछा गया सा इंटरप्राइजेस के द्वारा, क्या अधिक समय तक वेल्डिंग करते रहने से, रोजाना वेल्डिंग करते रहने से सेक्स पावर में कमी आ जाती है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सभी वेल्डर के मन में ये घूमते रहता है। तो इसका उत्तर हो सकता है हाँ बिल्कुल, अगर आप रोज़ाना अगर 6 से 8 घंटों तक रोज़ाना बिना रेस्ट लिए वेल्डिंग करते रहते हैं, तो इसके कमी ये है कि आपके सेक्स पावर में कमी आ सकती है। इसलिए अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो लगातार मत कीजिए, रेस्ट लीजिए, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर से वेल्डिंग कीजिए, लगातार वेल्डिंग मत कीजिए, इससे क्या हो सकता है कि आपको नुकसान हो सकता है। साथ साथ आपको लगातार वेल्डिंग करते रहने से आँखों को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा हेलमेट का यूज़ करें और जो होते वेल्डिंग गोगल्स उसका यूज़ करें, जिससे कि आप सेफ रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी मालूम हो सके।